नमस्कार। इलेक्ट्रोहोमोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, ये कार्यक्रम मैं आप सबके लिए, आप सबकी मांग पर, आप सबकी पसंद पर लेकर के हाजिर हूं। और आप सब ने इस चैनल को बहुत ही लाइक किया है। आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स ये बता रहे हैं कि आपने इलेक्ट्रोहोमोपैथी में मेरा साथ दिया है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी के इस कार्यक्रम में मैंने इस हर्बल चिकित्सा प्रणाली को आप तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है, और ये छोटा सा प्रयास आपके साथ एक कदम से कदम मिलाकर चलने पर एक पूरा कारवां बनता जा रहा है। हालांकि मैंने पिछले 17 अप्रैल 2020 से निःशुल्क ऑनलाइन क्लास इलेक्ट्रोहोमोपैथी का रात में 10 बजे अपने निजी फेसबुक आईडी पर चलाना आरंभ किया, जिसमें हजारों साथी हमारे साथ जुड़े। और फिर इसके बाद विभिन्न यूट्यूब चैनलों ने हमारे उस क्लास को लोड किया, आप सब ने पसंद किया। लेकिन आप सब की मांग पर मैंने अपने निजी चैनल को आप तक पहुँचाया। तो अगर मेरे इस निजी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबाएँ। और हाँ, चलते चलाते कार्यक्रम के अंत में अपना कमेंट्स लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को चार चांद लगा देते हैं। तो बहनों और भाइयों, जैसा कि आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी की 38 औषधियों में हमने फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रवेश कर लिया है टिश्यू ग्रुप में, और टिश्यू ग्रुप की C1 मेडिसिन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज नंबर है मेडिसिन C2 की। C2 यानी कैंसरेशो 2 नंबर की दवा। मैटीजी ने जब इस दवा का आविष्कार किया तो उन्होंने टिश्यू मेडिसिन, जैसा कि आपको पता है कि ये औषधियाँ हमारे कोशिकाओं के समूह यानी ऊतक या टिश्यू पर कार्य करती हैं, और सीधे टिश्यू के फंक्शनल को, जो उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को ये एज ए कैटलिस्ट उनको प्रेरणा देती हैं, और उनके कार्यों में जो अप डाउन की ग्रेविटी होती है उसको ला करके ये होम्योस्टेटिस में छोड़ती हैं। बात कर लेते हैं C2 के इंग्रेडिएंट्स की। इसमें कोनियम मैकुलेटम, इकोसिटम अर्विनिस, पेट्रोसेलियम सटाइबम, पिम्पेलिनला सक्सिफेरा, बेंसिटॉक्सिकम ऑफिसिनलिस और रस्टॉको डेंड्रॉन, ये 6 पौधों का मिश्रण C2 में मेट किया गया है। हमारे पूर्व के क्लासों में या पूर्व को जानने वाले साथी इस बात को समझ चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप की S2 मेडिसिन और टिश्यू ग्रुप की C2 मेडिसिन दोनों एक दूसरे कॉम्प्लिकेटेड हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हैं, संपूरक हैं। और जहाँ पर हम S2 का प्रयोग करते हैं उसी ऑर्गन की या उनसे संबंधित अंगों के टिश्यू पर कार्य को प्रभावित करने के लिए हम C2 का प्रयोग करते हैं। यानी C2 अगर हम ये कहें कि ये गाल ब्लैडर पर, यूरिनरी ब्लैडर पर, वेजाइना पर, लंग्स पर, इंटेस्टिनियल ग्लैंड्स पर, ऑल टाइप्स ऑफ जितने भी ब्लैडर या ग्लैंड्स हमारे शरीर में जहाँ जहाँ प्रकृति ने बनाए हैं, उन सभी प्रकार के ग्लैडर पर कार्य करते हैं। यूरिनरी सिस्टम पर, कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम पर C2 का, यानी यूरिनरी सिस्टम के जितने भी टिश्यू ऑर्गन्स हैं उन टिश्यू सब्जेक्ट पर या उस टिश्यू पार्ट पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। किडनी पर, यूटेरस पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पर C2 का सीधा प्रभाव देखा गया है। अगर हम बात इसके प्रभाव की करें तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि जिद्दी कॉन्स्टिपेशन, जॉइंटिस में, हमारे आंखों के नीचे ये जो पार्ट है यहाँ पर बहुत लोगों के स्वेलिंग दिखाई पड़ती है, हमारे ओंठों पर सूजन आ जाती है, कभी कभी हमारे अंदर माउथ पार्ट के मसूड़ों पर सूजन आ जाती है और वहाँ पर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, उनको गलाने के लिए या उनको हटाने के लिए या उनके दर्द को कम करने के लिए हम C2 का प्रयोग S5 और BE के साथ करते हैं। जिद्दी खांसी, खांसी आती है, बलगम नहीं निकलता है, कफ नहीं निकलता है, वहाँ पर हम P8 के साथ C2 की याद करते हैं, क्योंकि फिर हमको लंग्स की जो टिश्यूज हैं, एल्वियोली हैं, हम उनमें कार्य की क्षमता को इंक्रीजमेंट देने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए हम P8 के साथ हम C2 को देते हैं, तो बहुत आसानी से कफ निकलने लगता है। ये पीड़ानाशक भी है, जिसको हम एंटीपायरेटिक कह सकते हैं। आंतरिक अंगों में जो खुजलियाँ होती हैं
मेल और फीमेल की, उन पर अगर जिद्दी खुजली है यानी विभिन्न दवाओं के देने के साथ अगर खुजली में लचीलापन आ गया है और खुजली लगातार जारी है तो हम वहाँ पर C2 का प्रयोग करते हैं। हाथ पैरों में सूजन अगर आ जाना, कभी कभी उंगलियों के आसपास सूजन बढ़ जाती है, पैर के उंगलियों पर सूजन बढ़ जाती है, पैर के फिंडलियों में सूजन बढ़ जाती है और दबाने पर वहाँ गड्ढे पड़ने लगते हैं, तो हम वहाँ पर S6 के साथ C2 को देते हैं। हमेशा याद रखिए कि S2 के साथ C2 जब आप देंगे तो हाथ पैरों में होने वाली असामयिक सूजन या जो स्वेलिंग दिखाई पड़ती, जो दबाने से गड्ढे पड़ जाते हैं, वो स्वेलिंग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आंत में, मसूड़ों में और जिद्दी खांसी में हमने C2 के बहुत अच्छे प्रयोग देखे हैं। ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस, मस्तिष्क में होने वाले ट्यूबरक्लोसिस, हमारे हड्डियों में होने वाले ट्यूबरक्लोसिस और लंग्स में होने वाले ट्यूबरक्लोसिस, इन पर भी C2 के बड़े अच्छे प्रभाव देखे गए हैं। परिणाम हमारे तमाम चिकित्सकों ने इस पर लिया है। हम ये भी कह सकते हैं कि महिलाओं में गर्भाशय का नीचे की ओर लटक जाना, वैजाइना का सिकुड़ जाना या यूरिनरी ब्लैडर में असामयिक कोई परिवर्तन आ जाना, पेशाब में जलन महसूस होना, ये तमाम ऐसे रोग हैं जहाँ पे हम C2 की बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करके C2 के परिणाम देखते हैं। लेकिन C2 एक अकेली मेडिसिन नहीं, चूँकि ये टिश्यू मेडिसिन है, इसके साथ हमको फिर हमारी जो फंक्शनल मेडिसिन है यानी यस ग्रुप के मेडिसिन या अन्य ग्रुप की यल ग्रुप की मेडिसिन, यफ ग्रुप की मेडिसिन, हम उसका भी प्रयोग करते हैं। महिलाओं के विभिन्न रोगों में हम जब C1 की याद करते हैं तो C1 के साथ हम C2 जोड़ देते हैं। मेमरी ग्लैंड्स पर जो बनने वाली गांठें हैं, अगर वो नहीं गल रही हैं तो C4 के साथ हम C2 का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के यहाँ गले के आसपास अक्सर बच्चों को या बूढ़ों को गांठें निकल आती हैं, वो गांठें अगर इधर उधर खिसक रही हैं और दब नहीं रही हैं, कड़ीपन दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसी गांठों को गलाने के लिए भी हम C2 का प्रयोग करते हैं। यानी C2 एक जिद्दी गांठों को छोटा करने के लिए, गलाने के लिए है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पे हमारे यूरिनरी ब्लैडर में या गाल ब्लैडर में या पित्ताशय में कोई पथरी हो गई है तो उस पथरी को गलाने में हम C4 के साथ C2 का प्रयोग करते हैं। विभिन्न राइटरों ने, विभिन्न पुस्तक के इलेक्ट्रोहोमोपैथिक लेखकों ने अलग अलग तरीके से C2 की व्याख्या की है, लेकिन मैं आपसे किसी राइटर की लिखी लिखाई बात पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने निजी अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने अपने पिछले 37 वर्षों में अनुभव किया है अपने रोगियों के साथ विभिन्न औषधियों को दे करके और जो रिजल्ट हमने प्राप्त किए हैं। और रिजल्ट के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के साथ जुड़े हुए जो हमारे लगभग 25,000 से 30,000 दर्शक हमारे साथ हैं, जिनमें लगभग 60% to 80% हमारे चिकित्सक साथी हमारे साथ हैं, वो हमारे बताए गए फार्मूलों पर जो प्रयोग कर रहे हैं और उस प्रयोग के जो परिणाम हमारे पास आ रहे हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया भी था कि हमारे पास आप सबके शपथ पत्र तक आ रहे हैं कि आपने विभिन्न रोगों पर हमारे फार्मूलों पर कार्य किया है। तो निश्चित रूप से जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी का करिश्मा हमारे देश के चिकित्सक देख रहे हैं वो रोगियों पर किए गए प्रयोग के बाद परिणाम है, न कि केवल वाहवाही है। ये केवल हवा की बातें नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियाँ शुद्ध हर्बल चिकित्सा पद्धति है और ये सस्ती है, सुलभ है, हानिरहित है। ये बार बार मैं आपको कहता हूँ और ये भी कहता हूँ कि ये किसी रोग की चिकित्सा नहीं करता, बल्कि ये अंग की चिकित्सा करता, अंग के कार्यप्रणाली की चिकित्सा करता है, अंगों की कार्यप्रणाली को शुद्ध करके, दुरुस्त करके, उनको फिर सम स्थापन में या होम्योस्टैटिसिस में ला करके रोग मुक्त करता है। तो C2 को हम अगर ये कह दें कि कोई दर्द शरीर में बढ़ रहा है, फोड़ा फुंसी बढ़ गया है, उसकी स्वेलिंग नहीं जा रही है और पेन बढ़ा हुआ है, तो वहाँ भी हम C2 का प्रयोग कर लेते हैं। C2 अक्सर A2, P1 और VAR2 के साथ प्रयोग में लाई गई है। विभिन्न प्रकार के गर्भाशय के विकृति में, मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल के गड़बड़ी में, एमिनोरिया में, डिसएमिनोरिया में जब हमको अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम C1 के स्थान पर फिर C2 देना शुरू करते हैं। जैसा आपको याद होगा कि मैंने कहा था जब S1 के परिणाम आपको अच्छे ना मिले या लगे कि आपका S1 हमने बहुत दिन तक दिया और कार्य अपेक्षित नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर आप S2 का प्रयोग करने लगते हैं, यानी L2 के बजाय फिर हम L3 का प्रयोग करके देखते हैं। उसी प्रकार अगर C1 कहीं भी अपने कार्य में लचीलापन ला रहा है तो वहाँ पर उसको ठीक करने के लिए हम C2 का प्रयोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे संक्षिप्त
लेकिन ज्ञानवर्धक इलेक्ट्रोहोमोपैथी के क्लास का आपको पूर्ण लाभ मिल रहा होगा। और अगर आप इसके लाभ को ले रहे हैं तो अपने कमेंट्स हम तक जरूर भेजें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं क्लास नंबर अगले में, जहाँ पे हम वर्णन करेंगे आपको C3 का। तो अब चलते चलाते हमारे नए दर्शकों के लिए, नए श्रोताओं के लिए हमारा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है 9793252355। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, रोगी से वीडियो कॉल भी करा सकते हैं, और चिकित्सक हमसे सलाह भी ले सकते हैं, रोगी भी हमसे सलाह ले सकते हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलते चलाते फिर एक बार आपको याद दिला दूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल दबा दें, और अंत में सुनने के बाद अपने अच्छे कमेंट्स या आपकी टिप्पणियां जो हम तक पहुंचेंगी, हम उसको आत्मसात करते हुए अपने अगले क्लास को सजाएंगे, संवारेंगे। बस इतना ही, नमस्कार।